तो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स में क्या किया जाता है कि सपोज करो आपके पास एक सोप बबल है या केरोसिन का तेल घेर दो पानी के ऊपर, तो रंग बिरंगा सा पैटर्न दिखता है। डीजल घेर दो, रंग बिरंगा सा पैटर्न दिखता है। तो रंग बिरंगा क्यों दिख रहा है? कलर फिल्म्स के अंदर ये कलर क्यों आ जाती है? फिल्म्स के अंदर सोप फिल्म आपको रंग बिरंगे पैटर्न धूप में दिखते हैं, क्यों? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। आपको कहिए ये कैसे इंटरफेरेंस है, सात रंग क्यों है? क्योंकि व्हाइट लाइट आ रही है, सात रंग है, सात रंग में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? आपको ये पैटर्न दिखाई देता है। पर एक्चुअल में हो क्या रहा है इसको देखते हैं। इसको बोलते हैं थिन फिल्म। कहीं भी एक थिन फिल्म ले लो और उसमें लाइट कैसे गई इसको देखो। जो फिल्म है ये ना बहुत ही पतली है। कितनी पतली है आपको पता है? सोप फिल्म कितनी पतली होती है? बहुत ही पतली है। तो इमेजिन अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसकी जो अंदर पानी दिखेगा सोप फिल्म का, वो इतना बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन है ये बहुत 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 छोटा, पर आपको ये बहुत बड़ा दिख रहा है। अब क्या हुआ, लाइट आती है सोर्स से, लाइट जो आ रही है वो यहां से आई, कुछ लाइट का हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ फिल्म के डेंसर मीडियम में पानी में एंटर कर जाता है, फिर यहां पर एयर आ जाती है दोबारा से, है ना? वो फिल्म है, फिल्म की बात हो रही है, मतलब ये फिल्म है तो यहां से एंटर कर रहा है, इसकी बात हो रही है, फिर बाहर आ जाएगा। तो ये आया, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट हुई, फिर इसमें से भी कुछ पोर्शन क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ और कुछ रिफ्लेक्ट हुआ। तो इमेजिन करो कि यहां से एक लाइट का हिस्सा रिफ्लेक्ट होके जा रहा है और एक ये रास्ता कवर करके वापस वेव फ्रंट पे पहुंचा। तो इसने, नीचे वाली लाइट ने ज्यादा रास्ता कवर किया एज कंपेयर टू ऊपर वाली लाइट। तो नीचे ऊपर वाली लाइट तो सीधा पहुंच गई वेव फ्रंट पे, नीचे वाली रिफ्लेक्ट होके यहां पे आ रही है। अब ये और ये, इन दोनों में पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है या फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ज्यादा डिस्टेंस कवर करने की वजह से, जिससे कि क्या हो जाती है, इंटरफेरेंस हो जाती है। कुछ कलर दूसरे कलर के साथ सुपर इम्पोज हो जाते हैं और कलर पैटर्न दिखते हैं। अगर और ये चीज, अब आप कहेंगे सर यहां का लाइट का क्या हुआ, ये आधा डायग्राम है, आधा डायग्राम ध्यान से देखो, यहां बनेगा ये देखो, ये मैंने कहा डायग्राम बनाया ऊपर की सरफेस पे इंटरफेरेंस शो की, आधा डायग्राम ये रहा, ये लाइट गई थी यहां पे इंटरफेयर हुई, इसको छोड़ दो, ये लाइट यहां गई थी, इसका कुछ हिस्सा आगे यहां चला गया और कुछ रिफ्लेक्ट हो गया था, तो ये रिफ्लेक्ट होके यहां से सरफेस से होके वापस आया, रिफ्रैक्ट हुआ, यानी कि एक डायरेक्ट जा रहा है एक रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, तो ये सेकेंड सरफेस की भी इंटरफेरेंस होती है। तो आधी इंटरफेरेंस ऊपर होती है और आधी नीचे होती है, तो डायग्राम भी दो हिस्सों में बना के दिखाए हुए हैं। तो अगर इंटरफेरेंस फिल्म के अंदर ऊपर की सरफेस पे होती है, टॉप सरफेस पे, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट, कि इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है? और अगर नीचे की सरफेस पे होती है उसे बोलते हैं इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। लिखा होता है क्वेश्चन में ट्रांसमिशन है या रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन में डार्कनेस और ब्राइटनेस की ये कंडीशन है, जिसमें ब्राइटनेस कब आएगी, जब 2μt cos r 2n+1 into lambda by 2। तो इसमें nth डार्कनेस की वैल्यू हो रही है, म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, टी का मतलब थिकनेस है इसकी, और ऐसी ब्राइटनेस की कंडीशन है। तो आप प्लीज पहले सिर्फ कंडीशन कंडीशन लिख लो टॉपिक फॉर्मूला बुकलेट में, वेव ऑप्टिक्स का हेडिंग डाल के इंटरफेरेंस ड्यू टू फिल्म थिन फिल्म लिख लेना। थिन फिल्म के अंदर पहला पार्ट है इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, जिसमें ब्राइटनेस और डार्कनेस की ये कंडीशन लिख लें, और टी का मतलब लिख लें इसमें थिकनेस ऑफ ये फिल्म है, टी थिकनेस ऑफ फिल्म।
ठीक है, अब इसकी उल्टी कंडीशन लिखो, इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। फॉर्मूला याद करने का तरीका बता देता हूँ, जो ब्राइटनेस की कंडीशन रिफ्लेक्शन पे थी वो डार्कनेस की होगी, डार्कनेस की ब्राइटनेस की होगी। देखो दोनों फॉर्मूला इंटरचेंज हो गए,